हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी मैं सो के उठी हूँ, तो अभी गुड़िया बना रही है नाश्ता और प्रियंका भी सो के उठी है। वो देखो कैसी बैठी है, उसको ज्यादा ठंड लग रही है, टिड्डी शरारती कर रही है। देखो उसे, हाँ बोलो गाइस, कैसे हो आप सब? बोलो, ये देखो इधर 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 करना, इधर हाय कर दो कर दो कर दे, नहीं करती है अभी। और आपको दिखाती हूँ, ये देखो इसने तो नाश्ता कर भी लिया है, तो ये अभी जा रहा है, जूते जूते पहन रहा है ये देखो। और ये गुड़िया, इसको ठंड लग रही तो इसने किचन बंद किया हुआ है। ये देखो कैसे लग जुटी हुई है काम में। अच्छा क्या बनाया खाने में? गोभी आलू मटर की सब्जी बनी है और हलवा बना रखा है ही बढ़िया सा। तो गए, इन्होंने तो नाश्ता कर लिया, ये लोग जा रहे हैं और मैं तो अभी मैं रेडी होके नाश्ता करूंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी ऊपर। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, मेरे को बहुत काफ़ी टाइम हो गया है ऊपर धूप सेकते हुए, क्योंकि लिए मैं अभी नीचे जाऊंगी, गर्मी लगने लग गई है मेरे को और इतना टाइम हो गया है। थैंक यू माय ऑल फैन। तो मैं सोच रही थी कि आप चलते हैं यार, नीचे बहुत टाइम हो गया और अभी नाश्ता भी करना, भूख लगने लगी है मेरे को। तो मिलते हैं गाइस, मैं आ गई नीचे अब। और तो गाइस अभी मेरे रिश्ते की बात चल रही है, मम्मी आएगी, मतलब बातें बनने लगी। चलो ठीक है, देख लो मेरे लड़के से पूछ लो, पर मैं अभी कोई शादी वादी तो करने वाली हूँ नहीं, उनको पता ही है। तो मम्मी कहती है हमारे लड़कों से पूछो, हमारे लड़के हमारे जैसे लड़के बोल रहे हम वैसे कर रहे हैं, उनकी बच्ची है। मेरे पेरेंट्स वैसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हमें फुल सपोर्ट करते हैं, ऐसे मतलब जोर जबरदस्ती वाला कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास कि भाई वो करेंगे वैसे ही होगा। तो मैं अपने पेरेंट्स को शुक्रिया करती हूँ कि ऐसे पेरेंट्स सबको मिले जैसे मेरे को मिले हैं। और मेरे पापा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, कभी मैं आपको मिलाऊँगी, वो अभी गए हुए हैं बाहर काम के लिए, वो घर उधर गए हुए हैं रास्ता, तो आएंगे तो मैं ज़रूर मिलाऊँगी उनसे। हम लोग जाएंगे छत के ऊपर कपड़े वपड़े सेट करने के लिए, हम मम्मी लग रही है खाने के, वो खा गई वो खा गई एक चम्मच। तो गाइस मम्मी ने बनाई थी पिनिया, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनती है गोल गोल लड्डू। ये गोल गोल लड्डू, तो इसमें काजू बादाम मिक्स कर दिया है पीस के, मम्मी ने उसमें मिक्स कर दिया था, क्योंकि ऐसे ना खाने में मेरे को इतना टेस्टी नहीं लगता हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने ऐसे बनाया, मम्मी ने ऐसे बनाया। और गुड़िया लगी है फ़ोन में और टिड्डी सो गई है। गाइस मैंने अभी बजे हैं शाम के 5 और मैंने तो अपना थोड़ा सा काम करवाया है अभी मम्मी को, और मम्मी तो अभी भी लगी हुई है कपड़े तैयार करने के लिए। ये देखो कितना ढेर मारा हुआ है कपड़ों का, मम्मी को गुस्सा आ रहा था अभी कि सब कपड़े खिलाड़ देते हैं, कोई तय करता नहीं है। तो मम्मी सुबह से अकेले लगी हुई है काम के, और ये देखो हम लग रही है वेस्ट कपड़े निकाली जा रही है, नए कपड़े भी मिक्स है, पुराने कपड़े भी मिक्स है, और जो मतलब यूज करने वाले नहीं थे वो भी इसी में सारे मतलब एक में होए पड़े हैं, क्योंकि कल थोड़ा सा सारे कपड़े निकाले गए थे कि भी कौन से किसके हैं, तो ऐसे करके नहीं, ये सॉक्स तो मेरे हैं, पुराने वाले सॉक्स हैं मेरे। तो गाइस ये टिड्डी 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 बोलो हेलो करो हेलो, ओ मेरे को नाखून मार रही है। हम लोग रेंट पे रहते हैं ना, तो ये घर की बातें कर रही है। किराया किसको डरा रहा है?
या फिर या फैसिलिटी देख लो, पानी की कोई दिक्कत होनी, बिजली की कोई दिक्कत होनी और मकान की कोई दिक्कत होनी, मकान तो बड़ो है, आराम से दो चार जना भी जाते। टिड्डी का पता नहीं क्या गुम हो गया है कपड़ों के नीचे, सारे तय किए हुए कपड़े सारे बिखेर दिए, क्या ढूंढ रही है टिड्डी? करने जा रहा है ऊपर। देखो फ्रेंड्स, द्रोही को कोई लेकर नहीं जा रहा है ऊपर छत पर, तो द्रोही टिड्डी चलो चलो द्रोही, हाँ हाँ जाओ, कहाँ जा रहे हो आप? देखो ये बच्ची, ये ऐसी बच्ची है कि अगर मैं सो जाऊं या हम सो जाए तो उसके बाद तो ये बाहर छत पे चले जाती है। मुझे नींद आ गई, इतनी सी देर में तो ये बाहर उतर के आ गई, अब ये बाहर उतर के छत पे जा रही है। इसको छत पे जाना था तो देखो आप, मैं लेकर नहीं आई इसको क्योंकि ठंड हो रही थी, तो ये खुद ही जाने लग गए। तो इसको सारती करने देते, इतनी देर में हम लोग पी लेते हैं चाय, क्योंकि टाइम हो चुका है चाय का, 5 बज रही आपको पता है, उसके बाद चाय पियेंगे और उसके बाद रात का डिनर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।